हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी मैगी। सिर्फ 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और बच्चे बड़े जिनको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उनको ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड इसकी टेस्ट नॉर्मल मैगी के टेस्ट की तुलना में काफ़ी अलग होती है। तो फिर चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हम मैगी बनाते हैं उस तरह ही बनाएंगे। मतलब एक कढ़ाई मैंने मीडियम आंच पर रख के उसमें बस एक छोटी चम्मच तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैं अभी डाल दूँगी प्याज। और फिर इसको थोड़ी देर भून लेंगे जैसे कि बस थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद मैं एक छोटा सा टमाटर चॉप कर ली हूँ, उसको डाल लेंगे। और जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी मैं प्याज भून ली हूँ, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो मैं अभी डाल दे रही हूँ इसमें जो कटे हुए टमाटर, एक छोटा सा ही टमाटर, उसको काट के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लिया था, तो अभी मैं डाल दूँगी। डाल के फिर अभी इसको भून लेंगे थोड़ी देर, जैसे कि ये जो टमाटर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो मेल्ट होना स्टार्ट करे, मतलब बिल्कुल बॉयल हो जाए। देखिए इस तरह से टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी पानी। मतलब जैसे कि नॉर्मल हम बनाते हैं मैगी उस हिसाब से ही हमें बनाना है, और उसके बाद चीज़ डालना है। तो पानी डालने के बाद अभी मैं मैगी को हाथ से क्रश करके डाल दूँगी, क्योंकि हाथ से जब क्रश करते हैं ना तो मैगी थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाता है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली थी कि इसको हम 2 मिनट में बना के रेडी करेंगे, इसलिए मैंने इसको क्रश कर दिया ताकि ये सच में 2 मिनट में बन जाए। अगर आप उसको बिल्कुल होल मैगी डालना चाहते हो जैसे कि पैकेट में आता है वो पूरा डाल सकते हो, पर वो थोड़ा टाइम लेता है खुलने के लिए, तो इस वजह से मैंने क्रश कर दिया ताकि बहुत ही जल्दी बन जाए। अभी मैं मैगी की पैकेट जो है, मैगी की जो मसाला पैकेट, वो डाल दे रही हूँ। और मैगी मसाला डालने के बाद मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ, मुझे नमक बराबर लगता है। अगर कोई किसी को आदत है मैगी में नमक डालने की तो अभी आप डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालती हूँ तो इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। तो अभी मैं मसाला को मिला ली हूँ और फिर अभी हम इसको पकने देंगे जैसे कि जो मैगी है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ था, अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अभी ये बिल्कुल 92-93% तक सॉफ्ट हो गया है, मतलब बॉयल हो गया है बिल्कुल। अभी मैं इसके ऊपर ग्रेटर की मदद से डाल दूँगी, ग्रेट कर दूँगी चीज़। मैं आपको ग्रेटर दिखाई और चीज़ दिखाई, और फिर अभी मैं इसको चीज़ को ग्रेट करके डाल दी इसके ऊपर। अभी आप चाहो तो इसको बस हल्की हल्का सा कुछ सेकंड के लिए ढक के रख सकते हो ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, पर मैगी इतना गर्म था कि ढकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा और ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया डालते ही। और आप अभी हो गया रेडी, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको एंजॉय करिए। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये थोड़ा नॉर्मल मैगी से अच्छा लगा कि नहीं इसके टेस्ट। और आप इसको प्लेटिंग करके ऊपर में भी थोड़ा सा डाल सकते हो चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।